हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक भारद्वाज फ्रॉम अचीव आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्राइवेट मेंबर बिल फॉर टू चाइल्ड पॉलिसी फॉर्म, पॉलिसीज पॉलिटिक्स से रिलेटेड। ये लॉ, ये वीडियो है, ये टॉपिक है और GS2 का ये पार्ट बनता है। मेंस के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज वेल एज कुछ इसमें ब्रीफ इंफॉर्मेशन है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो प्रिलिम्स के परस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट बनती हैं। उससे पहले मैं बता दूं, जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको इस वीडियो का PDF एज वेल एज हमारे लेटेस्ट सीरीज़ और जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में अपडेट आपको मिल सकता है। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो बेसिकली इस वीडियो में तो यही जानेंगे कि ये जो बिल है ये न्यूज़ में क्यों है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसको कौन लेकर के आया है, क्या इसमें वे फॉरवर्ड है, कौन लोग हैं जो इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या नीड है। तो बेसिकली यही चीज़ इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा प्रपोजिंग इंसेंटिव इन टैक्सेशन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल हु लिमिट देयर फैमिली साइज टू टू चिल्ड्रन। ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ है राज्यसभा में, जिसके अंदर इस चीज़ का प्रस्ताव है कि वो लोग जो अपनी फैमिली साइज को सिर्फ 2 बच्चों तक सीमित रखते हैं, उनको टैक्सेशन में छूट मिलेगी, एजुकेशन में छूट मिलेगी और एम्प्लॉयमेंट में भी उन लोगों को छूट मिलेगी। इस बिल को जो है डिस्कस किया जाएगा पार्लियामेंट में जब बजट सेशन के सेकेंड हाफ में पार्लियामेंट दोबारा बैठना शुरू करेगा। ठीक है, अभी ब्रेक चल रहा है और जब बजट सेशन का सेकेंड हाफ शुरू होगा तब इस बिल को डिस्कस किया जाएगा पार्लियामेंट में। की फीचर्स क्या हैं, बेसिकली जो बिल है वो एक नया प्रोविजन ऐड करेंगे, आर्टिकल 47A। ठीक है, आर्टिकल 47A एक न्यू प्रोविजन ऐड होगा, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि DPSP का ही पार्ट होता है, जिसका नाम होगा ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रमोट स्मॉल फैमिली नॉर्म। कि ये अब स्टेट की सरकार की ड्यूटी होगी कि वो स्मॉल फैमिली को लेकर के रूल्स जो हैं उनको प्रमोट करे। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, DPSP से बिलोंग करता है आर्टिकल पार्ट 4 आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके अलावा जो प्रपोज्ड इंसर्शन है आर्टिकल 47A, इसमें क्या होगा, जितने भी कंसेशन मिलते हैं स्मॉल फैमिली नॉर्म के तहत लोगों को, अगर किसी की ज़्यादा हो जाते हैं तो जितने भी कंसेशन हैं वो सारे उससे विड्रॉ कर लिए जाएंगे। उसके अलावा जो बिल है उसमें ये कहा गया है कि वो लोग जो अपनी फैमिली के अंदर 2 बच्चे रखते हैं, सिर्फ 2 से ज़्यादा नहीं रखते या फिर 2 या 2 से कम रखते हैं, उनको टैक्स में, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन में बहुत सारे इंसेंटिव ऑफर किए जाएंगे। उसके अलावा स्कूल एडमिशन या फिर सोशल बेनिफिट स्कीम में उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये है और इस बिल के तहत एक नया आर्टिकल इंसर्ट होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका नाम होगा, जिसका नंबर होगा आर्टिकल 47A। उसके अलावा बात करते हैं इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। देखो, एंट्री 20A कॉन्करेंट लिस्ट 3। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट 3 में एंट्री 20A 7th शेड्यूल की बात करती है कि किस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल के साथ डील किया जाए, फैमिली प्लानिंग को लेकर के क्या क्या प्रोविजंस लगाए जाएं। और ये वाला जो प्रोविजन था इसको एड ऑन किया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। उसके अलावा एक नेशनल कमीशन बना था टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हेड किया था MN वेंकटाचालिया ने, जिन्होंने रिकमेंड किया था 2002 में ही कि आर्टिकल 47A को इंसर्ट करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाना चाहिए, जिससे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल किया जा सके। उसके अलावा बात करते हैं देखो करंट स्टेटस की, तो प्रेजेंटली 6 राज्य ऐसे हैं, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जहां पर 2 चाइल्ड नॉर्म मैंडेटरी हैं जितने भी पंचायत मेंबर्स हैं उसके लिए। 2018 में 412 पंचायत मेंबर्स जो राजस्थान में थे उनको उनकी पदों से हटा दिया गया था, क्योंकि वो 2 चाइल्ड नॉर्म की जो पॉलिसी थी उसको कंप्लाई नहीं कर पाए थे, उसका अनुपालन नहीं कर पाए थे। उसके अलावा क्या हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी इस प्रोविज़न को बरकरार रखा है जो विभिन्न राज्यों में 2 चाइल्ड वाला, कि उन लोगों को आप क्या नाम है
पंचायती इलेक्शन मत लड़ने दो या फिर जो भी पोस्ट हैं उस पर वो नहीं रह सकते हैं अगर वो राज्य सरकार द्वारा जो पॉलिसी है उसके उसका अनुपालन नहीं करते हैं तो। इट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट भी इस प्रोविजंस को अपहेल्ड करता है, बरकरार रखता है। अब आगे बात करते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है, क्यों हमें जो है टू चाइल्ड पॉलिसी की नीड पड़ी। अब बात करते हैं आगे वीडियो में कि नीड क्या थी टू चाइल्ड पॉलिसी की, ठीक है, क्या ज़रूरत पड़ी जिस वजह से ये लाना पड़ा। सबसे पहला जो रीज़न है वो सबको पता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 125 करोड़ का जो आंकड़ा है उसको पार कर चुकी है और कुछ ही सालों में जो है 2030 तक वो चाइना जो कि अब वर्ल्ड का सबसे पॉपुलस नेशन है जहाँ की जनसंख्या लगभग 137 करोड़ के आसपास है उसको भी पीछे कर देगा। उसके अलावा हमारे पास नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी तो है जिसमें पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के गाइडलाइंस हैं जो कि 2000 से ही है, उसके बावजूद हम जो है सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुके हैं वर्ल्ड की। यानी कि पिछले 20 सालों में जो वो पॉलिसी है वो फेल्ड हुई है इस इशू को एड्रेस करने में। इट मीन्स कि हमको नई पॉलिसी की ज़रूरत है। तीसरा इसके अंदर निकल करके आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ओवरबर्डनड है और ओवर एक्सप्लोइटेशन वो झेल रहे हैं। तो अगर आगे हमको अपना एक अच्छा डेवलपमेंट चाहिए, सस्टेनेबिलिटी चाहिए डेवलपमेंट में, तो हमको आज की तारीख में पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, लिमिट करना पड़ेगा। और ये तीन मेन रीजंस हैं जिनके करके टू चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आए हैं। उसके अलावा इसमें क्रिटिसिज्म देखते हैं कि कौन लोग हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं, उनके क्या तर्क हैं। सबसे पहली बात, अगर चाइल्ड पॉलिसी आती है और उसके अंदर लिमिट होती है कि दो बच्चों से ज़्यादा नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये शॉर्टेज ला देगा एजुकेटेड यंग पीपल की, जिसकी इंडिया को बहुत ज़रूरत है, जिससे कि वो अपना जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है उसको आगे कैरी ऑन कर सके। उसके अलावा प्रॉब्लम्स जैसे कि जेंडर इम्बैलेंस या फिर अनडॉक्यूमेंट चिल्ड्रन, ऐसी कुछ चीज़ें जो चाइना ने फेस करी थी जब वो अपने यहाँ पर वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आए थे, ऐसी कुछ दिक्कतें इंडिया को भी फेस करनी पड़ सकती हैं। तीसरी बात यह है कि जो बर्थ रेट है वो बहुत तेज़ी से गिर रहा है इंडिया के अंदर में। 2000 की बात करें तो फर्टिलिटी रेट जो हुआ करता था प्रति महिला 3.2 चिल्ड्रन हुआ करता था, यानी कि एक फर्टिलिटी रेट हो गया एक महिला अपने टोटल गेस्टेशन पीरियड में या फिर उस पीरियड में जिसमें वो माँ बन सकती है 15 से 45 साल का होता है, तो उसमें वो 3.2 चिल्ड्रन को जन्म देती थी 2000 में अगर प्रति महिलाओं की बात की जाए, जबकि 2016 में ये नंबर 2.3 से भी नीचे जा चुका है। ठीक है, तो ये कुछ क्रिटिसिज्म वाली बात है जो उन लोगों ने कही जो इस पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में है। तो ये तो टोटल था अब तक हमने पढ़ा कि इस पॉलिसी में क्या प्रोविजंस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है। ठीक है, उसके अलावा करंट स्टेटस पढ़ा कि फीचर्स पढ़े। अब एक चीज़ आपने देखी होगी कि इसके अंदर निकल कर आया था कि प्राइवेट मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, प्राइवेट मेंबर्स, तो ये जो वर्ड है प्राइवेट मेंबर्स ये क्यों है, क्या है, इसके बारे में जानते हैं अब आगे। प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? कोई भी ऐसा एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मिनिस्टर के पद पे नहीं है उसको प्राइवेट मेंबर कहा जाता है। तो बेसिकली प्राइवेट मेंबर क्या होता है, प्राइवेट मेंबर बिल इसलिए लाया जाता है जिससे कि कोई भी एक इंडिविजुअल एमपी जिसको लगता है कि इस चीज़ के ऊपर कानून बनना चाहिए वो प्रस्ताव लेकर के आता है और गवर्नमेंट का ध्यान उस बिल की तरफ आकर्षित करता है। तो बेसिकली ये चीज़ होती है। इससे क्या होता है, जो आज का जो लीगल फ्रेमवर्क में कोई भी गैप एग्जिस्टिंग उसको फिल करने के लिए ये चीज़ें होती हैं कि भाई अगर कोई इंडिविजुअल तौर पे कोई भी एमपी कुछ भी सोचता है कि हमारे देश के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए और सरकार उस चीज़ को लेकर के कोई बिल नहीं ला रही है, तो वो जो बीच का गैप फिल करने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल्स होते हैं। बेसिकली ये क्या दिखाता है कि जो अपोजिशन पार्टी है उसका क्या स्टैंड है पब्लिक मैटर्स पे। ठीक है, यानी कि ज़रूरी नहीं कि अगर कोई सत्ता में ही है तो वो ही बिल ला सकता है, कोई अगर अदर अपोजिशन में है या फिर इंडिविजुअल है, मिनिस्टर भी नहीं है, वो भी बिल लेकर के आ सकता है, लेकिन उसके लिए जो है एक मंथ का नोटिस देना पड़ता है, प्रायर नोटिस देना पड़ता है एक मंथ का। और अगर हाउस उस बिल को रिजेक्ट कर देती है तो उसमें जो है कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है, उसे गवर्नमेंट रिजेक्ट कर सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आएगा। और उसके अलावा लास्ट टाइम जब प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ था दोनों हाउसेज में वो ईयर था 1970 और वो था सुप्रीम कोर्ट एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल एपिलेट ज्यूरिडिक्शन बिल 1968।
अब तक की टोटल बात करें तो 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं जो कानून बन चुके हैं, ठीक है। तो ये होते हैं बेसिकली प्राइवेट मेंबर्स। तो यही था इस वीडियो में, बहुत हमने जाना है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और कोई भी सजेशन है, फीडबैक है, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, हम उसके ऊपर काम करेंगे। तब तक के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट, अ वेरी गुड हेल्थ, ऑल द बेस्ट।